नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के लिए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे भी आज यहाँ पे जो ओपनिंग आई है और जो क्लोजिंग आई है वो काफी शानदार आई है निफ्टी की, और 11,700 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कि ग्लोबल संकेत काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। डाउ की रैली का फायदा हमें भी मिला और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, वो हुई थी यहाँ पे 11,700 के ऊपर। बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया और दोबारा से जाके यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो 11,700 के ऊपर ही आई है और 44 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 184 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी टॉप थ्री गेनर में यहाँ पे रहा टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल और आईएचएम मोटर। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो लूजर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम रहा सबसे बड़ा लूजर, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट, उसके बाद भारत पेट्रोलियम। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 8% का उछाल आज देखा गया था। और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे इनिशिएट किए यहाँ पे कवरेज और बाय रेटिंग दिया है यहाँ पे, तो इसी के चलते स्टॉक में करीब 8% का उछाल था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट की तरफ से, जहाँ पे जी एंटरटेनमेंट में करीब 3% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में, क्योंकि यहाँ पे खबर आ रही है कि फरवरी और मार्च में करीब करीब यहाँ पे 75 लाख से भी ज्यादा प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा शेयर्स यहाँ पे मार्केट में ओपन मार्केट में बेच दिए हैं, तो इसी के चलते यहाँ पे इसमें गिरावट देखी गई आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे आईएचएम मोटर्स की तरफ से, जहाँ पे नंबर्स इतने ज्यादा खास नहीं आए थे यहाँ पे सेल्स आंकड़े, बट यहाँ पे कंपनी ने करीब 700 करोड़ रुपया रॉयल इनफील्ड के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दिया है, तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% की रैली देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे, वो आ रहा है बजाज ऑटो की तरफ से, जहाँ पे सेल्स नंबर काफी ठीक ठाक आए थे, यहाँ पे 18% की यहाँ पे इंक्रीज दिखाया है सेल्स में, तो बट स्टॉक में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देखा गया था, ऑलमोस्ट 2% गिर के यहाँ पे बंद हुआ। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 3% की रैली बनी थी आज के दिन में, और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इन्होंने अपनी प्रमोटेड कंपनी गेटवे रेल के अंदर अपने हिस्सेदारी और बढ़ा दी है, तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक पे 3% का उछाल था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे साइनेट की तरफ से, जहाँ पे एक तेज गिरावट देखी गई थी आज स्टॉक में करीब 11% की, और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है करीब इनका एक 5 मिलियन डॉलर का यहाँ पे एक ऑर्डर है जिसकी डिलीवरी जो है वो लेट हो सकती है, इसी के चलते यहाँ पे ये स्टॉक में तेज गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ल्यूपिन की तरफ से, जहाँ पे ल्यूपिन के स्टॉक में 2% की रैली आज के दिन में बनी थी, और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पे इनको USFDA से मिल गया है, यहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे मिल गई है और इनको क्लियरेंस मिल गया है इनके पीतामपुर फैसिलिटी को, तो इसी के चलते स्टॉक में 2% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से, जहाँ पे Q4 में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ घर बेचे हैं, करीब करीब यहाँ पे जो फिगर आ रहा है वो करीब 2900 घर इन्होंने बेचे हैं, जिनका टोटल वैल्यूएशन करीब 2100 करोड़ की मान बताई जा रही है यहाँ पे, तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 8% की रैली बनी थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे मारुति की तरफ से, जहाँ पे मारुति की गाड़ी इको को इन्होंने अपग्रेड किया है, यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे बढ़ा के दोबारा से इसको लॉन्च किया है, और जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है करीब 3.55 लाख से, तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 1% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से, जहाँ पे टाटा मोटर की रैली आज भी करीब 8% उछल के यहाँ पे बंद हुआ है स्टॉक, और यहाँ पे नमोरा के जो एस्टिमेट था गाड़ियों का जो सेल्स फिगर का वो यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल उसी के हिसाब से यहाँ पे गाड़ियां बेची हैं, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आया टाटा मोटर्स के लिए, इसीलिए यहाँ पे 8% का उछाल देखा गया था यहाँ पे आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे रैमको सिस्टम की तरफ से, जहाँ पे 3% के उछाल के साथ आज स्टॉक कामकाज कर रहा था, और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इन्होंने एक सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन कर दिया है यहाँ पे एक एविएशन सूट को, तो ये अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 5% का उछाल देखा गया था यहाँ पे, और यहाँ पे जो केयर ने यहाँ पे जब से इनकी रेटिंग स्टेबल करी है तब से ज्यादा ये स्टॉक में मोमेंटम बन गया है, इसी के चलते यहाँ पे आज 5% का उछाल देखा गया था इस स्टॉक में।
अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे अदानी गैस की तरफ से, जहाँ पे 2% का उछाल देखा गया था अदानी गैस में। यहाँ पे वो है, इनको मिल गया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, झांसी और बिलासपुर के इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे 2% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।